नमस्कार दोस्तों, तो इन्फिनिक्स हॉट 12 वाला स्मार्टफोन आज फाइनली इंडिया पे लॉन्च हो चुका है। इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है जिसका प्राइस है 9,500 रुपये। वैसे ये जो प्राइस अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है, तो जितना मुझे लग रहा है इसका नॉर्मल टाइम में प्राइस होगा 10,000 रुपये। और अगर आप अभी फ्लिपकार्ट में देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम प्राइस में आपको मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 12 नाम का स्मार्टफोन। तो इसीलिए इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपका बजट है आज के दिन में 10,000, तो आपको इस दोनों स्मार्टफोन के बीच में कौन सा लेना चाहिए, मतलब कौन सा आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन होगा, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं, तो गैजेट चैनल को सबसे करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के प्राइस को देख के। ये जो इन्फिनिक्स हॉट 12, इसका जो एक ही वेरिएंट अवेलेबल है उसका प्राइस है 9,500 रुपये। लेकिन ये जो इन्फिनिक्स नोट 12, ये स्मार्टफोन आपको टोटल दो वेरिएंट पे मिलेगा, जो कि 464 GB और 6 120 GB। इसका भी करेंटली बेस वेरिएंट का प्राइस है 10,000 और इसका हाइस्ट वेरिएंट का प्राइस है 12,000 रुपये। तो इसके बाद हम दोनों के डिस्प्ले के बारे में बात करें। हॉट 12 में आपको मिलेगा 6.82 इंच HD+ 90Hz IPS LCD डिस्प्ले। उसी जगह पे नोट 12 में आपको मिलेगा 6.7 इंच, मतलब स्लाइटली छोटा, लेकिन फुल HD+ 60Hz और सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो इसका मतलब अगर आपको मूवी वगैरह देखने के लिए बेटर क्वालिटी डिस्प्ले चाहिए तो आपको डेफिनेटली इन्फिनिक्स नोट 12 के साथ ही जाना चाहिए। दोनों पे आपको मिलेगा 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट। हॉट 12 में जहाँ पर आपको मिलेगा 460 nits के आसपास ब्राइटनेस, उसी जगह पे नोट 12 में आपको मिलेगा 1000 nits के आसपास ब्राइटनेस। और दोनों पे आपको पुराने जमाने के जैसा वाटर ड्रॉप नॉच आपको मिलेगा। तो इसका मतलब अगर आपको मूवी वगैरह देखने के लिए या फिर गेम खेलने के लिए बेटर क्वालिटी डिस्प्ले चाहिए तो आपको नोट 12 के साथ डेफिनेटली जाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों के CPU के बारे में। तो ये जो हॉट 12, इसमें आपको मिलेगा हीलियो G37 प्रोसेसर, उसी जगह पे नोट 12 पे आपको मिलेगा हीलियो G88 प्रोसेसर। वैसे दोनों ही प्रोसेसर 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बनाए, लेकिन दोनों के परफॉर्मेंस के बीच में एक मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा। ये जो हॉट 12, इसका AnTuTu स्कोर है 1,14,000 के आसपास, लेकिन नोट 12 का AnTuTu स्कोर एग्जैक्टली हॉट 12 के मुकाबले दुगना है, जो कि 2,20,000 से भी ज़्यादा। तो इसका मतलब अगर आपको बेटर क्वालिटी परफॉर्मेंस चाहिए तो 100% आपको नोट 12 के साथ ही जाना चाहिए। तो इसके बाद अगर दोनों के कैमरे के बारे में बात करें, इधर दोनों का जो रियर कैमरा वो आपको मिलेगा 52 और एक AI सेंसर रियर साइड में। हॉट 12 में जहाँ पर आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, नोट 12 पे उधर ही आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो इसका मतलब ऑब्वियसली इस दोनों स्मार्टफोन के बीच में जो नोट 12 उसका कैमरा वो बेटर है हॉट 12 के मुकाबले इन टर्म्स ऑफ मेगापिक्सल। और क्योंकि दोनों स्मार्टफोन ही इन्फिनिक्स ब्रांड की तरफ से, तो इसलिए दोनों के रियर कैमरे में आपको मिलेगा क्वाड LED फ्लैश, फ्रंट में आपको मिलेगा डुअल LED फ्लैश। तो नेक्स्ट अगर दोनों के वेरिएंट की अगर बात करें, ये जो हॉट 12 टोटल एक ही वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, जो कि 4GB रैम 64GB मेमोरी। उसी जगह पे नोट 12 आपको टोटल दो वेरिएंट पे मिलेगा, 464GB 6 120GB। दोनों पे आपको मिलेगा LPDDR4X का रैम, EMMC 5.1 का इंटरनल स्टोरेज और दोनों पे आपको मिलेगा 2+1 कार्ड स्लॉट। इसका मतलब इस वेरिएंट या फिर रैम और रोम स्पीड के मामले में दोनों स्मार्टफोन ही एग्जैक्टली सेम। और नेक्स्ट अगर दोनों के बैटरी की अगर बात करें, हॉट 12 पे जहाँ पर आपको मिलेगा 6000mAh बैटरी, उसी जगह पे नोट 12 में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी। लेकिन हॉट 12 में जहाँ पर आपको मिलेगा 18W का चार्जर, नोट 12 में उधर ही आपको मिलेगा 33W का चार्जर। और दोनों का ही कनेक्टिविटी USB Type-C। अभी तो टोटल आप पर डिपेंड करेगा कि आप एक्चुअली कौन सा चूज़ करना चाहेंगे, मतलब अगर आपको लंबे समय तक चलने वाला बैटरी चाहिए तो डेफिनेटली आपको हॉट 12 चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 45 मिनट के आसपास चार्ज होने वाला बैटरी चाहिए तो आपको डेफिनेटली नोट 12 के साथ ही जाना पड़ेगा। और इसके बाद फाइनली अगर दोनों कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की अगर बात करें, इधर दोनों ही फोन है एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स। दोनों भी आपको मिलेगा 3.5mm जैक, DTS HD ऑडियो का सर्टिफिकेशन। हॉट 12 में जहाँ पर आपको मिलेगा सिंगल स्पीकर का ऑप्शन, उसी जगह पे नोट 12 में आपको मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर। और हॉट 12 में जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो आपको मिलेगा फोन के पीछे, मतलब रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, उसी जगह पे नोट 12 में आपको मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो अब जो सबसे मेन चीज़, सेम प्राइस पॉइंट में, मतलब इस 10,000 पे इस दोनों फोन के बीच में कौन सा बेटर है, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप 10,000 रुपये के प्राइस पॉइंट में इस इन्फिनिक्स हॉट 12 के साथ जाएंगे तो आपको बस एक ही एडवांटेज मिलेगा, जो कि है स्लाइटली बिगर क्वालिटी डिस्प्ले। लेकिन इसी जगह पे अगर आप नोट 12 के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा स्लाइटली बेटर क्वालिटी कैमरा सेटअप, बेटर क्वालिटी डिस्प्ले, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ऑलमोस्ट दुगना बेटर क्वालिटी CPU,
फास्टर चार्जिंग सिस्टम और डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको मिलेगा। तो मतलब वीडियो की इस जगह आपको ये चीज़ तो समझ में आएगा होगा। अगर आपका बजट है आज के दिन में 12,000 रुपए, अगर आप सोच रहे हैं हॉट 12 लेंगे या फिर अभी जो 10,000 पे अवेलेबल है नोट 12 लेंगे, तो आपको डेफिनेटली इस इन्फिनिक्स नोट 12 वाले स्मार्टफोन के लेना चाहिए। मतलब ये जो इन्फिनिक्स नोट 12 वाला स्मार्टफोन हर एक मामले में हॉट 12 के मुकाबले डेफिनेटली बेटर है। तो अभी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि ये दोनों स्मार्टफोन के बीच में आप कौन सा चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।